आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ए में। तो साथियों, आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। तो साथियों, अभी 2 दिन पहले ही हमने अपडेट दी थी कि जो NM और CHO NHM के तहत जो भर्ती हुई थी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो साथियों, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है साथियों, तो CHO और NM बने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो साथियों, आपको पता है कि जो हमारे NHM के अध्यक्ष हैं श्री आलोक धीराज, वो समय समय जो भी अपडेट होती है भर्तियों से संबंधित या मोटिवेशनल एक्टिविटी या अन्य कोई जानकारी होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परिणाम को लेकर, सारी जानकारी वो शेयर करते रहते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। तो उनको आप ज़रूर फॉलो करें साथियों। तो उन्होंने भी अपडेट दिए कि जो CHO और NM का DB है वो कैसे होगा, उसकी ऑफिशियल अपडेट है वो आ चुकी है, और GNM का DB भी जल्दी समाप्त होने वाला है। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन उसको जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सकें और आप अपने सपनों की उड़ान भर सकें। स्वास्थ्य विभाग जुड़ी हर भर्ती हर इन्फॉर्मेशन, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अगर हम आलोक धीराज से कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो तुरंत उसका जवाब भी दे देते हैं अपनी ट्वीट के माध्यम से। तो साथियों, आलोक राज जी बेरोजगार युवाओं को सटीकता के साथ जानकारी साझा करते हैं। श्री अशोक लाल सोट हैं, उन्होंने भी जवाब पूछा। तो उन्होंने आलोक धीराज हैं वो बेरोजगार युवाओं को सटीकता के साथ जानकारी साझा करते हैं। 10:30 बजे गए हैं, लेकिन सर की जिम्मेदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ इतने लेट सोशल मीडिया आपको जानकारी दे रहे हैं, ऐसे ही बेरोजगारों को जानकारी साझा करते रहें, शुक्रिया सर। तो सर है वो समय समय पर जो भी अपडेट होती है, हम जो भी सवाल उनसे पूछते हैं वो समय पर उनका जवाब दे देते हैं। तो उन्होंने अपडेट दिया है DV अपडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर ही अपडेट दिए। एग्री सुपरवाइजर संगनक जूनियर अकाउंटेंट GNM और सबकी DV एक साथ चल रही है। आपको पता है कि इन सब का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चल रहा है, और GNM का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगभग समाप्त होने वाला है। और साथियों, CHO और NM का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट है वो जारी हो चुकी है। उन्होंने अपडेट दी थी कि शीघ्र ही शुरू होने वाला है। तो साथियों, और उन्होंने बताया कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा निर्णय विभाग ही लेगा। तो साथियों, विभाग ने निर्णय ले लिया है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है CHO और NM का वो ऑफलाइन होने वाला है। DOIT भी शीघ्र ही सूचना सहायक DV पर निर्णय लेंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट एक अच्छा निर्णय है। तो साथियों, डिपार्टमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहा है, और CHO और NM का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन होने वाला है। और साथियों, इसमें आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, ऑनलाइन होता तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, घर बैठे ही आप वेरिफिकेशन करवा सकते थे। लेकिन अब आपको अगर कोई समझ लो एग्जाम्पल के लिए अगर बाड़मेर से हैं और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो उसका एक तो समय ख़राब होगा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और रुपये लगेंगे, खर्चा होगा वो अलग से। तो साथियों, ऑनलाइन वेरिफिकेशन एक अच्छा निर्णय था, लेकिन विभाग है वो CHO और NM का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन करवा रहा है। और साथियों, ये अपडेट है साथियों, डॉक्टर भागचंद बगाल, उन्होंने भी जानकारी साझा की है। अभी विभाग से लिखित में तो नहीं आया है, लेकिन विभाग के अधिकारी मुझसे मिले थे, मैंने ऑफलाइन करने के लिए सजेस्ट किया, जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। तो विक्की गुजर हैं, उन्होंने उनसे डॉक्टर बागेल जी से सवाल किया था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लिखित में नहीं आया है, तो उन्होंने कहा अधिकारियों से बात हुई है और ऑफलाइन के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन होने वाला है।
राजस्थान सामुदायिक अधिकारी अपडेट। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कल मंडे को मॉर्निंग में एनएचएम विभाग में सीएचओ भर्ती डॉक्यूमेंट ऑफलाइन को लेकर रिव्यू मीटिंग हो गई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होने को लेकर विभाग में सहमति बन गई और कल हमारे साथियों के जाने से अपने काम को और गति मिल गई और अब जल्दी ऑफलाइन को लेकर शेड्यूल जारी होगा। सर, क्या ये न्यूज़ सही है? तो विक्की गुजर हैं, उन्होंने भी मीटिंग की थी, रिव्यू मीटिंग हो गई है साथियों, तो ऑफलाइन डीवी के लिए तैयार हो जाए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन होने वाला है एनएम और सीएचओ का। अब सवाल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो उसकी डेट अभी तक दी नहीं है। जैसे ही अपडेट आ जाएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो साथियों, सीएचओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि कैंडिडेट है वो ज़्यादा हैं और एनएम में कैंडिडेट कम है, तो एनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है लगभग 10-15 दिन में कंप्लीट हो सकता है और रिजल्ट भी लगभग, अगर आपको विभाग चाहे तो आपको ज्वाइनिंग है वो दीपावली से पहले या दीपावली के बाद इसी साल में मिल सकती है। तो साथियों, विभाग है वो जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाटा है वो अपडेट करने वाला है। जैसे ही कोई डेट आ जाएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको। और साथियों, सीएचओ और एनएम के लिए कौन कौन से शपथ पत्र चाहिए उसके लिए हमने अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वो वीडियो जाके देख लीजिए कि आपको कौन कौन से शपथ पत्र है वो साथ में लेके जाना है, क्योंकि इस बार जो डीवी है वो ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑफलाइन में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सारे डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाना है, अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर दूर से जा रहे हो तो पहले सारे डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लीजिए, उसी के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं। नहीं, अगर कोई नाम में गलती है या अन्य कोई अपडेट आपके पास नहीं है, जैसे डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है, तो उसको रिन्यू करा लीजिए जल्दी से जल्दी और जो भी शपथ पत्र है वो तैयार कर लीजिए। तो ये जानकारी थी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दी है सीएचओ एनएम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे हमारे वीडियो साथ। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर आपको वो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, बेल आइकन ऑन करें, जैसे ही कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और स्वास्थ्य विभाग जुड़ी हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन आप पा सकें। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।